दोस्तों बिग बॉस के टुडे एपिसोड में घर के अंदर हो चुका है एलिमिनेशन। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दूं घर के अंदर जो ऑडियंस आई थी, जो कि शो था घर के अंदर रोस्टिंग का, जहां पर वो फिनिश होने के बाद बिग बॉस ने सभी घर वालों को दिया बड़ा सरप्राइज। जी हां दोस्तों, यानी कि बड़ा झटका, जहाँ पर चार लोग जो नॉमिनेट थे, विक्की जैन, ईशा खान, ईशा मालविया और दोस्तों अंकिता लोखंडे, जहाँ पर बिग बॉस ने जो ऑडियंस देखने को आई थी उनके हाथ में वोटिंग रखी, लाइव वोटिंग, जहाँ पर सभी लोग मिलकर जो है अपने अपने पूरे जर्नी देख के वो चार लोगों की जो है उनको वोट दिया, जहाँ पर दोस्तों जिसके सबसे कम वोट हुए, जहाँ पर वो जो सीधा घर से बेघर होने वाला है, सब बिग बॉस ने कह दिया, जहाँ पर लाइव वोटिंग कर दी गई। और दोस्तों आप सभी को ये बता दूँ, ईशा खान जो है घर से अभी टाइम पे घर से बेघर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एलिमिनेशन हो चुका है ईशा खान का, जहाँ पर ऑडियंस ने जो है सबसे कम वोट जो है ईशा खान को दिए। लेकिन दोस्तों जो रियल वोटिंग है, जहाँ पर जिसके चलते बिग बॉस चलता है, लेकिन बिग बॉस ने उसको तो मायने ही नहीं रखा। बिग बॉस ने जो घर के अंदर ऑडियंस बुलाई और ऑडियंस का जो निर्णय था, जहाँ पर वो निर्णय लेके ईशा खान को सीधा घर से बेघर कर दिया। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अनफेयर हुआ है, क्योंकि ईशा खान को बहुत ज़्यादा वोटिंग मिली थी, लेकिन बिग बॉस ने वोटिंग को बिल्कुल ही मायने नहीं रखा। बिग बॉस को किसी भी हालत में जो ईशा खान को घर से बेघर करना था, और बिग बॉस ने तगड़ा वाला प्लान करके जो है ईशा खान को अभी टाइम पर घर से बेघर कर दिया। हम दोस्तों जब ईशा खान घर से बेघर जा रही थी, तो मुन्ना और का सभी लोगों का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि सभी को पता था कि ईशा खान जो है घर से बेघर नहीं जाने वाली, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वोटिंग मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों बिग बॉस ने जिस तरीके से निर्णय लिया है ना, बहुत ही गलत हुआ। आप सभी को क्या ही कहना इनके ऊपर, कमेंट के अंदर देख जाना। और एक मिडवीक इविक्शन हम सभी को देखने को मिलने वाला है, उसकी भी खबर आप सभी को मैं जल्दी दे दूंगा। इसलिए वीडियो पे नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।